यूपी के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री भारत सोलर ग्रामीण योजना के नाम पर ग्रामीणों से ठगी करने वाले 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये ठग बाकायदा ग्रामीणों से योजना का फॉर्म भरवाते और ईंटों से भरी बैटरी, सोलर प्लेट, पंखा व एलईडी बल्ब देकर ठगी का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने ठगों के कब्जे से 1 दर्जन सोलर प्लेट, पत्थरों से भरे बैटरी, पंखे एवं एलईडी बल्ब बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये रहमान और उसके साथी जो गाँव के भूले भाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत सोलर ग्रामीण योजना के माध्यम से ठगने का खुलेआम धंधा कर रहे थे। दरअसल बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव नगलिया में ये तीनों ग्राम प्रधान के यहां पहुंचे और प्रधान को पीएम के नाम पर चल रही योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कैंप लगाकर ग्रामीणों का बाकायदा फॉर्म भरवाते और 8,500 रुपए लेते। बदले में 1 सोलर प्लेट, पंखा, एलईडी बल्ब और पत्थरों से भरे बैटरी देते थे। लेकिन जब ग्रामीणों को ठगी का पता चला तो ग्रामीणों ने इन ठगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। क्या नाम है तुम्हारा? नाम रहमानी। रहमानी, ये बताइए किस तरीके से तुम लोग ठगी करते थे? सर, हमें जैसे बतलाया तो बोलते गांव में जाओ आप, ठीक है, गांव में जाके हम मतलब कैंप लगाते हैं, तो कैंप लगाने के बाद में मतलब बताते हैं ये सारा सामान 8,500 में देते हैं जी, 4 साल की बैटरी गारंटी भी देते हैं, चेंज भी कर देते हैं जैसे नहीं चलता तो हमें मतलब वो देता सोनू सर। ये बताइए कि मोदी जी और योगी जी का आपके बैनर पे क्या मतलब है? ये तो भाई साहब जैसा उनने बैनर दिया हम तो ऐसे ही लगाते। गांव में क्या जाकर कहते थे आप? 2 दिन हो गए हमें भाई साहब गांव में, यही बताते थे हम कि मोदी जी और योगी की योजना है। नहीं नहीं नहीं, और योजना नहीं, हम ये कहते थे मतलब ये कंपनी की तरफ से, टाटा कंपनी, टाटा में जियो कंपनी की तरफ से ऐसा बतलाया था हमें, बोले टाटा कंपनी की तरफ से छूट चल रही है। तो इसमें तो पत्थर निकले हैं, पत्थर बेचते हो आप बैटरी में रख के? भाई साहब हमें खुद को नहीं पता, हमने तो साफ से बात कराई थी, ये साफ खड़े हैं इनसे बात, हमें खुद को नहीं पता भाई साहब, 9 दिन से हम काम कर रहे थे, हमें खुद को नहीं, हमने बात करा दी साफ से, हमें तो खुद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल, ये बताइए कि आपको किस तरीके से इन लोगों ने ठगा था, क्या योजना बताई थी? सर, ये हमारे गांव नंगलिया में आए और इन्होंने प्रधान के यहाँ जा कर के एक बैनर लगाया जिस पे योगी जी का फ़ोटो और मोदी जी का फ़ोटो था। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोगों के लिए मोदी और योगी जी की एक स्कीम निकली है इन्वर्टर देने की 8,500 रुपये में, जिसमें एक बैटरा था और एक सोलर प्लेट, एक पंखा और 2 LED बल्ब। क्या देखा था फिर आपने बैटरी में, क्या निकला बैटरी में? सर, जैसे बैटरा मैंने चार्ज कराया तो चार्जिंग उसमें प्लेट थी नहीं, एक गर्म और एक ठंडी 2 प्लेट थी, बाकी सब पत्थर भरे हुए थे उसमें। वो छतारी ले जा करके बालाजी के यहाँ तोड़वा के देखा तो उसमें पत्थर निकले, प्लेट थी नहीं। वो मैंने सहार की एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक, उस दुकान पर वो प्लेट ले जा कर दिखाया तो उसमें मात्र ही मैं प्लेट होके 3-4 किलो वजन बैठा है सर, कबाड़े के हिसाब से 15 रुपये किलो बेचोगे तो क्या बिकेगा बताइए। पुलिस को सूचना दिया? हाँ, मैंने सर उसी दिन दे दी थी, मैं सर ऐसे ऐसे हुआ है हमारे। कितने लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया जी? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 3 लोगों को सर, जो उस दिन थे वही आज हैं जो गिरफ्तार हुआ है। वाला ग्रुप पकड़ा गया, क्या मामला है, किसकी कार्रवाई की जा रही है? ये थानाध्यक्ष छतारी को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो भारत सरकार का सोलर योजना का नकली बैनर बना करके और नकली सामान जिसमें कि सोलर प्लांट, सोलर सिस्टम से रिलेटेड एलईडी लाइट और बैटरा, ऐसे तमाम ऐसे उपकरण जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड थे वो बेचे जा रहे थे। इस सूचना पर छतारी पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तमाम मात्रा में सोलर पैनल से रिलेटेड सामग्री बरामद हुई है, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग पकड़े गए हैं? 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी तस्दीक किया जा रहा है कि इस पूरे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं।